नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और पौराणिक किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे भगवान परशुराम की। आज हम बात करेंगे भगवान परशुराम ने अपनी माता की हत्या क्यों की थी और कहां और कैसे मिली थी उन्हें मातृ हत्या के पाप से मुक्ति। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में किया गया है। अहंकारी और धृष्ट है वंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार करने के लिए प्रसिद्ध हैं। वे धरती पर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए गए, जिसमें कोंकण, गोवा एवं केरल का समावेश है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरल तक समुद्र को पीछे धकेल दिया था और नई भूमि का निर्माण किया, और इसी कारण कोंकण, गोवा और केरल में भगवान परशुराम वंदनीय हैं और तीर के तेज से उत्पन्न ब्राह्मण को ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण भी कहते हैं, जिसमें बिहार के योद्धा भूमिहार ब्राह्मण, महाराष्ट्र के चित्तपावन, पंजाब के मोहयाल अपनी उत्पत्ति भगवान परशुराम से मानते हैं। वे भार्गव गोत्र की सबसे आज्ञाकारी संतानों में से एक थे, जो सदैव अपने गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। वे सदा बड़ों का सम्मान करते थे। महर्षि भृगु के पुत्र ऋचिक का विवाह राजा गाधी की पुत्री सत्यवती से हुआ था। विवाह के बाद सत्यवती ने अपने ससुर महर्षि भृगु से अपने व अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब महर्षि भृगु ने सत्यवती को दो फल दिए और कहा कि ऋतु स्नान के बाद तुम गूलर के वृक्ष तथा तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का आलिंगन करने के बाद ये खा लेना। किंतु सत्यवती व उनकी मां ने भूलवश इस काम में गलती कर दी। यह बात महर्षि भृगु को पता चल गई। तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तूने गलत वृक्ष का आलिंगन किया है, इसलिए तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला रहेगा और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मणों की तरह आचरण करेगा। तब सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र क्षत्रिय गुणों वाला न हो, भले ही मेरा पौत्र ऐसा हो। महर्षि भृगु ने कहा कि ऐसा ही होगा। कुछ समय बाद जमदग्नि मुनि ने सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया। इनका आचरण ऋषियों के समान ही था। इनका विवाह रेणुका से हुआ। मुनि जमदग्नि के चार पुत्र हुए, उनमें से परशुराम चौथे थे। इस प्रकार एक भूल के कारण भगवान परशुराम का स्वभाव क्षत्रियों के समान था। महाभारत के युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर धृतराष्ट्र के पास गए थे, उस समय श्री कृष्ण की बात सुनने के लिए भगवान परशुराम भी उस सभा में उपस्थित थे। परशुराम ने भी धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण की बात मान लेने के लिए कहा था। अब बढ़ते हैं उस घटना की ओर जिससे भगवान परशुराम मातृ हत्यारे कहलाए। आखिर क्यों किया उन्होंने अपनी माता का वध? परशुराम भगवान विष्णु के आवेशावतार थे। एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करते देख हवन हेतु गंगा तट पर जल लेने गई रेणुका आसक्त हो गई और कुछ देर तक वहीं रुकी रही। हवन काल व्यतीत हो जाने से क्रुद्ध मुनि जमदग्नि ने अपनी पत्नी के आर्य मर्यादा विरोधी आचरण एवं मानसिक व्यभिचार करने के दंड स्वरूप सभी पुत्रों को माता रेणुका का वध करने की आज्ञा दी, लेकिन मोहवश किसी ने भी ऐसा नहीं किया। तब मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति ही नष्ट हो गई। अन्य भाइयों द्वारा ऐसा दुस्साहस न कर पाने पर पिता के तपोबल से प्रभावित परशुराम ने उनकी आज्ञा अनुसार माता का शिरोच्छेद कर दिया।
यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने 3 वरदान मांगे। नंबर 1, माँ पुनर्जीवित हो जाएं। नंबर 2, उन्हें मरने की स्मृति न रहे। नंबर 3, भाई चेतना युक्त हो जाएं। और जमदग्नि ने उन्हें 3 वरदान दे दिए। माता तो पुनर्जीवित हो गई, पर परशुराम पर मातृ हत्या का पाप चढ़ गया। आखिर कहां मिली थी उन्हें मातृ हत्या के पाप से मुक्ति? राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित मातृ कुंडिया वह जगह है जहां परशुराम अपनी मां की हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। यहां पर उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और फिर शिवजी के कहे अनुसार मातृ कुंडिया के जल में स्नान करने से उनका पाप धुल गया। इस जगह को मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। यह स्थान महर्षि जमदग्नि की तपोभूमि से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, हमारा आज का यह किस्सा आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिया गया बेल आइकन ज़रूर दबाएं। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।